इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube स्टूडियो बेटा वर्जन के क्या क्या नए नए चेंजेस है और क्या फर्स्ट लुक है और क्या ओल्ड वर्जन से क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है इसमें और कैसे आपको सेटअप करना है इसका। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो YouTube स्टूडियो बेटा है और जो पुराना जिसे क्लासिक बोल रहे हैं, क्रिएटिव स्टूडियो का क्लासिक बोल रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें चेंजेस इतना है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। मतलब आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आपको कहीं जाना है तो यहाँ क्लिक मारो, फिर वो खोलो, फिर ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। वन क्लिक सब कुछ है, मैं बताता हूँ आपको सिंपल। देखिए जैसे ये वीडियो मैनेजर आपका खुलता है, इसमें देखिए यहाँ एक वन क्लिक मारिए, पब्लिक प्राइवेट अनलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। वन क्लिक मारिए, मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। अब वही चीज़ आप पुरानी वीडियो मैनेजर दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये वीडियोज है, इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब में करते हैं, ठीक है। अगर आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना है तो आपको क्या करना होगा, मोनेटाइजेशन टैब में जाओ आप, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑफ करो, फिर यहाँ सेव पे क्लिक मारो। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल और थोड़ा क्लस्टी टाइप का है। अब इसी चीज को उन्होंने इम्प्रूव किया है और जो यहाँ पर सेटिंग दे रखी है इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। देखो इसमें क्या इन्फो सेटिंग, इनहांसमेंट, ऑडियो, ऐसी फालतू की सेटिंग दे रखी है, क्लिक मारो फिर वापस वही खोलता है। लेकिन ये जो नया वाला है, ये उन्होंने मतलब यूट्यूब क्या कर रही है, अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार रही है, यूजर फ्रेंडली बना रही है इसको, ताकि क्रिएटर्स को यूट्यूब पे जो काम करते हैं उनको थोड़ा ईजी पड़े। दोस्तों यही चेंजेस है और बहुत कुछ है चेंजेस, जैसे कि ये सब व्यू है, कमेंट है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, लाइक वैसे डिसलाइक, थोड़ा कंपेरिजन भी कर रही है यूट्यूब। और देखिए सारी वीडियो आएगी आपकी, और जो कब से कमाल की चीज है वो देखिए एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या है, आपको आपके एनालिटिक्स में पहले सब कुछ, जैसे कि पुराना एनालिटिक्स था उसमें क्या करना पड़ता था, आपको सब कुछ देखने को मिलता था, उसमें से रियल टाइम का अलग था और टोटल आपने कितना पैसा कमाया वो अलग, सब कुछ अलग अलग टाइम में था। इसमें सब कुछ मिलता है आपको, रियल टाइम कितने व्यू चल रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर रियल टाइम में, कितने चेंज हुए, कितना वॉच टाइम है, टॉप वीडियोस क्या क्या है, मतलब कुल मिला के बहुत थोड़ा चेंजेस किया है। रेवेन्यू कितना आया आपका, डिस्कवर में क्या है, देखिए ये देखिए ट्रैफिक सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है। मतलब बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही है लेकिन थोड़ा पहले से ज्यादा सिंपल है और बहुत ही फास्ट है। वही तो उसका माउस व्हील ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है आपका। स्लो नेट में भी पूछे मत कमाल के, देखिए एंड स्क्रीन, मतलब बहुत ऐसी इंप्रूवमेंट है जो यूट्यूब ने चेंज किया है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये अभी बेटा वर्जन है, अभी ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये बेटा इसलिए है मैं बताऊँ आप लोगों को। देखिए इधर देखिए कमेंट का आ रहा है, उसके बाद देखिए मिसिंग फीचर, मिसिंग फीचर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो लाइब्रेरी, कहने का मतलब यूट्यूब ने वीडियो एनालिटिक्स और कमेंट पे अभी काम किया, अभी प्लेलिस्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब ऑप्शन अभी बनाने हैं, तभी इसका बेटा बनने डाला है। बेटा का मतलब ही दोस्तों होता है टेस्टिंग पर्पज से, इसका ऑफिशियल लॉन्च नहीं होता है, अभी कुछ दिनों में इसका ऑफिशियल न्यूज आ जाएगा। तो मैं पहले इस वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को कैसे सेटअप करना है आपको, अगर आप ये चलाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पुराना वाला खोलना है, ठीक है, आपका यूट्यूब है वो खोलना है आपको, उसकी जगह नीचे जाना है आपको, यहाँ आता है यूट्यूब बेटा स्टूडियो, बस यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा नया वाला, और कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और जो आपको बैक जाना है, अगर आपको ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, देख लिया बोर हो गए, चलो ठीक है मजा आ गया आपको, अब बैक आना है बैक कर लो आप, तो आप पुराना वाला खुल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कोई वो नहीं है, बहुत ही मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आप नए वर्जन का लुक ढल जाते हो तो ले सकते हो। और कोई नई चीजें आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों, ऐसी वीडियो बना के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।